ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत और आज पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं न्यूज लॉन्ड्री के धाकड़ रिपोर्टर प्रतीक गोयल। सर, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू बसंत, थैंक यू। आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे जो हाल ही में प्रतीक सर और अश्विन ने एनएल सेना प्रोजेक्ट पूरा किया है मध्य प्रदेश में, बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई पिछले दिनों उसको लेकर। साथ ही एक मेरी रिपोर्ट है जो दिल्ली सरकार को लेकर है, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पॉडकास्ट शुरू हो उसके पहले हम आपको न्यूज लॉन्ड्री के बारे में बताना चाहते हैं, जो आप सब जानते भी हैं कि हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके, आप यानी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमें सुनते हैं, हमारा काम पसंद करते हैं, उनके सहयोग से काम करते हैं। तो न्यूज लॉन्ड्री को अपना सहयोग दें और मीडिया को आज़ाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं। प्रतीक सर, हाल ही में आपके राज्य में जहां आप रहते हैं पुणे, वहां पे पूरा राजनीतिक संकट रहा और अब जिस राज्य से मैं संबंधित हूं, जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां पे अब पूरा बवाल चल रहा है। और बड़ी अच्छी बात, एक हमारे साथी पत्रकार, उन्होंने महाराष्ट्र और बिहार के जो पूरा सिनेरियो है पॉलिटिकल, उन्होंने लिखा कि बड़े बड़े घरों में शादी ब्याह होता है तो महंगे होटल बुक होते हैं, एसी बसों का इंतजाम होता है, एक दो नहीं कई दिनों के लिए, लेकिन बिहार में पकड़ा हुआ ब्याह का चलन है। सुबह सवेरे कुछ नहीं, सांझ होते ही सिंदूर पड़ा और राती राती ब्याह पूरा। तो जैसे जब महाराष्ट्र में सारा कुछ चल रहा था, शिंदे बागी हो गए थे शिवसेना के विधायकों के साथ, तो गुजरात गए, फिर गुवाहाटी गए, फिर लौटे, फिर सरकार बनी। हमारे यहाँ सुबह तो शाम को गए इस्तीफा दे दिए, आए लौट के अपने घर ना जाके घर के सामने राबड़ी देवी आवास गए नीतीश कुमार, बैठक करी, शाम को घोषणा हो गया। अभी जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो 2 बजे उनका शपथ ग्रहण होना है। तो हम चाह रहे थे बिहार के पूरे पॉलिटिक्स पे बात हो, लेकिन बिहार के जो हमारे साथी रिपोर्टर हैं वो अभी बेहद व्यस्त हैं, क्योंकि जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ देर बाद शपथ ग्रहण होने वाला है। तो हम बातचीत शुरू करेंगे प्रतीक सर की स्टोरी से, जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है और जो हमारे आप सबके सहयोग से पूरा हुआ है। इस स्टोरी, ये स्टोरी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारी वेबसाइट newslaundry.com और hindi.newslaundry.com पर मौजूद है। इससे संबंधित वीडियो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जो पहली स्टोरी है जो मेरे सामने खुली हुई है हिंदी में, कि बुलडोजर न्याय की रियासत बन गया मामा का मध्य प्रदेश। आप कह रहे हैं एक बुलडोजर न्याय का रियासत बन गया, मतलब एक तरीके से राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, जबकि हम सब ने देखा कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई। ये कैसे, हालांकि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बॉर्डर स्टेट है, कई जिले उनके एक दूसरे से सटे हुए हैं, ये कैसे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पहुंचा और क्या इसके पीछे मजबूरी रही, ये थोड़ा बताएं। देखिए वसंत, असल में यूपी में तो ये था ही और मतलब मीडिया में भी देख लेते, काफी लाइमलाइट में भी था वो, लेकिन एमपी में जब ये इसके पहले जो चुनाव हुए 2019 में तो कांग्रेस की सरकार आई। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस से मतलब वो अपने विधायकों के साथ हटके जब बीजेपी में जुड़े और वापस बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उसके बाद जो शिवराज सिंह चौहान है, असल में शिवराज सिंह चौहान की अगर आप जो उनका अगर बेसिक अगर नेचर समझेंगे तो वो काफी शांत स्वभाव के नेता है, मतलब वो काफी मतलब बहुत ही ग्राउंड से, जमीन से जुड़े नेता है। मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि जहाँ के वो है, जहाँ से वो एमपी हुआ करते थे विदिशा, किसी भी घर में चले किसी ने बोला छोटा सा भी अगर निमंत्रण है या कुछ कार्यक्रम है तो वो जाके मिलके आ जाते। तो एक बहुत ही जमीनी से जुड़े नेता की उनकी छवि थी और काफी अच्छी छवि थी। लेकिन वो जब सेकंड टर्म उनका जो शुरू हुआ तो सबसे पहले होशंगाबाद में उन्होंने किसान सम्मेलन चल रहा था, वहां उन्होंने मतलब उसको लेके बहुत चर्चा भी हुई थी, उस बात को लेके उन्होंने बोला था कि सुन लो, मतलब जितने भी माफिया वाफिया सुन लो रे, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट नीचे, मध्य प्रदेश छोड़ के भाग जाओ। वहां से उनका वो पूरा सिस्टम चालू हुआ। तो अब इसमें ये बात सबसे ज्यादा उठ के कब आई, जब खरगोन, जब भी कोई ऐसा, अब खरगोन और ये तो इसी साल हुआ अप्रैल में रामनवमी के पहले, लेकिन इसके पिछले साल भी इसी तरीके से काफी घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए। अब एंटी माफिया कैंपेन चालू है मध्य प्रदेश में, वो बोला गया है ठीक है कि उसमें वो बोलते हैं कि गुंडों की लिस्ट बनाओ, ये करो वो करो,
अब गुंडों की लिस्ट बनाने, और इसमें पहली बात तो मध्य प्रदेश में उस तरीके का ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है जो उत्तर प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ठीक है, उसका तो ब्रजेश सिंह, वो अब तो नहीं रहे, लेकिन वो जो एक अलग टाइप का ऑर्गेनाइज क्रिमिनल, एमपी में से वो जो चंबल का एरिया आप समझ लो, तो वो बियर्ड बागियों डकैतों का इलाका था, वो अलग बात है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल जिसको बोलते हैं जो इस लेवल पे है, मुख्तार अंसारी वगैरह, वैसा माफिया मध्य प्रदेश में नहीं था। एंटी माफिया कैंप ठीक है, गुंडे बदमाश, पहली बात तो ये उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कानून है, अगर कोई अपराध करता है तो उसको सजा देने का उसमें है, अपना सीआरपीसी है उसके लिए। लेकिन ये जो बुलडोजर का इन्होंने चालू किया, तो माफिया और वो तो छोड़िए, उन्होंने मतलब इतने बेकसूर लोग के घर तोड़े उसमें। और जहां बात अगर इसकी आ जाती है, जैसे समझो थोड़ा सा कौमी दंगा हो गया या कौमी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया जरा सा भी, और जहां अगर वो बंदा अगर मुसलमान है, तो मतलब समझ लो कि ना इन्वेस्टिगेशन होगा ना कुछ होगा, मतलब जज भी में और जल्लाद भी में वाला हिसाब होगा। तो वहां पे वो ना इन्वेस्टिगेट करते हैं, यहाँ तक कि कुछ भी एफआईआर में लिख दिया जाएगा। तो वैसे, और इसका जो मेन कारण है, अब देखिए जो शिवराज सिंह चौहान है वो बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, और अभी जो आगामी विधानसभा अभी आने वाला है जो अगले साल, तो उसमें अब वो मुख्यमंत्री के मतलब उस किरदार में रहेंगे, या उनको ऐसा मुख्यमंत्री कैंडिडेट रहेंगे कि नहीं, उस चीज को पूरी तरीके से श्योर करने के लिए मतलब उन्होंने इस तरीके का ये जो एग्रेसिव जो अपना अपना एक नई एक इमेज बनाने की कोशिश करी है बुलडोजर के जरिए, ये बुलडोजर पूरा उसका मतलब वो उस लाइन पे है ये पूरा। लेकिन इसमें हुआ ये है कि बहुत ही मतलब इनोसेंट लोग के घर तोड़ दिए गए काफी, बहुत ज्यादा। मैं जो ये नहीं आप बोल रहा कि इसमें से मुस्लिम्स को टारगेट किया, हिंदुओं के भी घर टूटे हैं, लेकिन आप कंपैरिजन करेंगे तो वो बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। मैं उसी सवाल पे आ रहा था, आपकी स्टोरी में एक मैप भी बना हुआ है किसके घरों को ढहा गया। उसमें जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक मुसलमानों के 223 घर हैं, हिंदुओं के 94 घर हैं, सिख के एक घर हैं और 14 के आंकड़े नहीं हैं। किसी का भी घर तोड़ना, अगर आरोप के बाद आप दोषी मान के घर तोड़ देते हैं, ये गलत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की एक छवि रही है कि वो अपने आप को मध्य प्रदेश के मामा कहते हैं, वहीं वहाँ के गृह मंत्री की एक छवि अलग रही है, और अग्रेसिव पॉलिटिक्स, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, तो क्या शिवराज सिंह चौहान अपने आप को हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में, जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स है, उसमें डालने के लिए ये पूरा एक बुलडोजर वाली छवि बना रहे हैं, मामा से चंदा मामा वाले मामा से एक उस मा बुलडोजर वाले में जा रहे हैं, बुलडोजर बाबा जी एक डरा दे आपको, मामा तो आपको डराता नहीं है ना, बुलडोजर आपको डरा रहा है। नहीं, ये वही उनका मेन है कि थोड़ा एग्रेसिव इमेज क्रिएट करना उनको। और जैसे भी अब वो नरोत्तम मिश्रा, उनका तो खैर ये हिसाब है कि अपन ने पहले न्यूज़ लॉन्ड्री में अपन ने स्टोरी भी करी है उस पर, कि 10 बजे उनके बंगले पे सारे पत्रकार इकट्ठे हो जाते हैं, वो पिन पिन से लेके प्लेन तक सारी बातों पे वो कमेंट करते हैं। बीच में ऐसा हो गया था कि वो मीडिया ने एक पूरा कैप्चर कर लिया था उन्होंने, बट लेकिन सिर्फ वो रीजन नहीं है, उनको शिवराज सिंह चौहान को और यूपी का जो बुलडोजर बाबा का जो मतलब जो योगी आदित्यनाथ उनकी जो ये हुई थी, मतलब कमल से ज्यादा एक्चुअली बुलडोजर एक सिंबल बन चुका था, तो वही एक एग्रेसिव इमेज क्रिएट करने की ये पूरी मुहिम है थी उनकी। और अब जैसे अपन ने स्टोरीज करी हैं, तो उसमें आप देखोगे कि मतलब अभी दंगा हुआ कहीं और, आपने 4-5 किलोमीटर दूर जाके किसी और का घर तोड़ दिया, मतलब अभी एक दो तीन मतलब बहुत प्रोमिनेंट चीजें बताता हूँ उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल रायसेन में एक वहाँ गांव है, वहां पे ये हुआ था, ठीक है, खमरिया करके। अब वो है, वो जो गांव है वो मुस्लिम बहुल गांव है, और उसके आसपास का वो पूरा इलाका आदिवासियों का इलाका। ये शुरुआत होती है होली के दिन एक लड़की के साथ छेड़खानी से, मतलब कुछ लड़के थे जो दूसरे गांव के थे, चंदपुरा आदिवासी लड़के थे, वो लोग खड़े थे, एक लड़का लौट रहा था, उसको शराब पी रहे थे, छेड़खानी कर, ठीक है, वहां पे जो लड़कों के झगड़े हो जाते हैं, तो आपस में दो ग्रुपों का झगड़ा हुआ, मैटर वहीं बड़े लोगों ने बीच बचाव करके मैटर क्लोज किया, इनको भी डांटा, उनको भी डांटा, भेज दिया। उसके बाद वो लोग वहां पे पूरा एक लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया जो आदिवासी गांव थे वहां पे, फिर वो एक फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेज चलने लगा, एक बीजेपी का एक जो अपने बोल का संघ का बताता भी, वो सरपंच का चुनाव जीता है, तो वो उसने कि भाई मुसलमान खत्म
खमरिया और आदिवासी चंदपुरा के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, ये वो करके, और इस तमाम चीज़ को लेकर पूरे गांव पर अटैक कर दिया, उनकी दुकानें जला दी, पुलिस की पुलिस को भी पीटा। आपने इसका व्हाट्सएप चैट शेयर किया अपनी स्टोरी में? हाँ, वो व्हाट्सएप का जो मैसेज है वो भी हमने शेयर किया। और जब ये हुआ तो उसके बाद अब वहाँ गोली चली। अब गोली चलाई ये, किसने चलाई ये ना, वो चंदपुरा के लोग को पता, उनसे भी बात करी, वो भी डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि खमरिया वालों ने चलाई है, और इनको भी नहीं पता कि किसने चलाई है वो गोली। गोली चली और उसमें एक 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 पहले एक लड़के की डेथ हुई, उसके बाद एक जन की और हो गई, तो वो थे आदिवासी। अब उसके बाद हुआ ये कि शुरुआत कहाँ से हुई है, वो पूरे गांव के ऊपर, खमरिया जो जो मुस्लिम बहुल गांव था उसके ऊपर पूरी बात आ गई, इन्होंने ये किया है, वो किया है, वो किया। तो वो मतलब जहाँ ऐसे ही एक 80 साल के बुजुर्ग है बेचारा, उनका प्रधानमंत्री आवास था, ऐसे 13 घर थे उस गाँव में, विदिशा में, इस्लाम नगर करके जगह। अब वो बुजुर्ग आदमी 80 साल की उम्र है उनकी, 2016-17 में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला। वो मतलब इतना, मतलब आप उनसे मिलोगे तो एक हम्बलनेस बोलते हैं ना किसी इंसान में, तो वो आप देख के हैरान हो जाओ। वो अपने से छोटे तो हमारे उम्र के या और छोटे लड़कों को साहब करके बुलाते थे वो चचा, और उनका बेचारे लेबर मतलब मजदूरी करते करते कभी इधर रह रहे हैं, कभी 2016-17 में उनको पक्का घर मिला, वो आराम से वहां रह रहे थे, पूरा बकायदा जो पूरा प्रोसीजर पूरा हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना का। वहां के हमने जो ग्राम का सचिव होता है उससे ही बात करी, उसे बताया सारा प्रोसीजर कंप्लीट था, इनको पैसे भी मुहैया करिए, उन्होंने घर भी बनाया। और अचानक से कहीं लफड़ा होता है उनके गांव के 4 किलोमीटर दूर और इनका घर तोड़ दिया जाता है। तो मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं, झूठी FIR। ये जो खमरिया वाला केस था उसमें उसमें जो मुख्य आरोपी है, अब वो लड़का लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उसको मतलब उसका एक हाथ काम ही नहीं करता, ठीक है, और उसमें ये चला लिखा गया है कि भरमार से उसने भागते हुए गोली चलाई और 30-40 लोग घायल कर दिए। अच्छा। भरमार, अगर थोड़ी बहुत अगर बंदूक किसी को जानकारी होगी तो भरमार एक ऐसी गन होती है जिसको ऊपर से भरना पड़ता है, गोला गोला डलता है उसको पूरा भर, कितने ही मतलब जो एक्सपर्ट लोग भी होते हैं उनको कम से कम 1.5-1.5 मिनट लग जाता है उसको भरने। वो एक नॉर्मल बन नहीं है कि अपन ने लीवर खींचा, पीछे लोड किया, चला दिया। तो भरमार को उसने मतलब वो उसका एक हाथ पूरी तरीके से काम नहीं करता, उसका सर्टिफिकेट भी उन लोगों को दिखाया था, हमने फोटोज भी देखे थे। और वो बंदा एक हाथ से लोड कर रहा है भरमार और भागते हुए भरमार चला। जी जी, बस ये वही है कि मैं ही, वो एक शेर है ना कि मैं ही मतलब जज हूँ, मैं ही गवाह हूँ और मैं ही, मैं भूल रहा हूँ शेर को, वो भी वाला सीन। और आप देखिए कि कई बार ये कार्रवाई बदले की भावना से भी होती है, कई बार क्या, हमेशा बदले की भावना से होती है। पिछले दिनों एक उत्तर प्रदेश जहाँ से बुलडोजर का पूरा कैंपेन ही शुरू हुआ, वहाँ से खबर आई थी कि मुरादाबाद के SDM थे, उनको हालांकि अभी उन पे गाज गिरी है, उनका नाम था घनश्याम सर वर्मा, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो उन्होंने कहीं से फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर कारोबारी ने पैसे मांगे तो उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया उसके जो कारोबारी था उसके यहाँ। बाद में प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टिगेशन कराया और घनश्याम वर्मा को जांच के बाद सस्पेंड कर दिया गया। तो ये है कि मतलब कई बार ठसक दिखाने के लिए, कई बार क्या, ये बुलडोजर की पूरी कार्रवाई ही ठसक दिखाने की है और हमारे संविधान की पूरी जो एक न्याय प्रक्रिया है उसको अंगूठा दिखाया जा रहा है। और हैरानी की बात है कि हमारे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज जो न्यायाधीश है वो हर चीज़ पे सीवी रमना ने एक आदर्शवादी कमेंट करते हैं, चाहे मीडिया हो चाहे दूसरा हो, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई पे शायद उन्होंने कुछ कहा हो, मुझे ध्यान नहीं है। और बुलडोजर जैसे मध्य प्रदेश में एक चीज और, मतलब कि जहां बात अगर समझ लिए कि अगर जो क्रिमिनल है या जो आरोपी है अगर वो मुस्लिम है तो मतलब उसने जाना ही है, वो तो जाएगा ही, अगल बगल के भी लोग जाएंगे उसको। लेकिन अगर वो हिंदू है जैसे फॉर एग्जाम्पल दो मामलों में, अभी एक बुजुर्ग बेचारे 65 साल के बुजुर्ग थे, अब उनको पीट पीट के मार दिया, सिर्फ ये बोल के कि हाँ कि बता तेरा नाम मोहम्मद है, तेरा नाम मोहम्मद है ना, ये बोल के वो रास्ता भटक गए थे, थोड़े से वो मेंटली उनको प्रॉब्लम भी थी। और वो चित्तौड़ गए थे किले में, उनका कोई मंदिर में पूजा वूजा करने गए थे, MP में जावरा करके जगह वहाँ से, अब ये वहाँ से भटक गए और वो वहाँ गए, उनको पीट पीट के मार दिया। उस बंदे का जब घर तोड़ने की बारी आई तो वहाँ बुलडोजर नहीं चला, जब मैंने वहाँ के पुलिस और बाकी अधिकारियों से बात करी तो वो कहते हैं कि भाई साहब बात ये है कि वो घर में तीन, मतलब उनके अलावा
वो घर उनके माता पिता और भाई के नाम भी है, तो हम कैसे तोड़। बिल्कुल। और यहाँ पे जो मामला आता है तो वो उनका नाम हो या ना हो वो घर टूटना है उसमें। जी जी तो लिसनर और जो भी लोग आप देख रहे हैं वीडियो में, आपको इतना ही मिलेगा पूरी बातचीत सुनने के लिए। और जो स्टोरी प्रतीक सर की है ये दो पार्ट में है, इसका वीडियो भी है। उसके बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे वेबसाइट newslaundry.com या हिंदी newslaundry.com पर जाएं और पूरी बातचीत सुनें। साथ ही न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना सहयोग बनाए रखें ताकि हम इस तरह की रिपोर्ट आप तक लाते रहें बिना किसी दबाव के। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free. Aur garv se kaho, mere kharch par azad hai khabrein.